सीधे लिए चलेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मलिना इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनवाते हैं। पार्टी की गंदी राजनीति, सब दिल्ली वालों को पता है कि सर्दी के मौसम में दिल्ली का पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना। एक तरफ आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है जिसने लगातार 2 साल के प्रयासों से पराली जलने की घटनाओं को कम किया है। केंद्र सरकार के ही आंकड़े ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब बनने से पहले 2021 में 71,300 फार्म फायर्स के स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स पंजाब में हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के प्रयास से वो 50% रिड्यूस हो गए 2023 तक, जब लास्ट ईयर मात्र 36,600 फार्म फायर्स यानी स्टबल बर्निंग पराली जलना आधा हो गया आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद। आप इस साल के भी आंकड़े उठा के देखिए, हर रोज केंद्र सरकार का इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च IARI पूसा स्टबल बर्निंग के आंकड़े जारी करता है। अगर आप उन आंकड़ों को देखने जाएंगे तो 1 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के बीच में पंजाब में 2023 में 1105 फार्म फायर्स हुई थी, वो इस साल घट के सिर्फ 811 रह गई हैं, यानी 27% रिडक्शन। दूसरी तरफ अगर आप हरियाणा और यूपी जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उनके आंकड़े देखने जाएंगे तो दिखता है हरियाणा में जहां पे पिछले साल 1 और 15 अक्टूबर के बीच में 341 फार्म फायर्स हुई थी, वो 23% बढ़कर 417 पहुंच गई है। यूपी में जहां पे पिछले साल 244 फार्म फायर्स हुई थी वो 70% बढ़ के 417 पर पहुंच गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति बिल्कुल साफ है। अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलना रोक सकती है, कम कर सकती है, तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना, आज सुबह मैं आनंद विहार बस अड्डे गई, क्योंकि आनंद विहार बस अड्डे में कहा जाता है कि उस इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। अगर आप आनंद विहार बस अड्डे पे दिल्ली की बसें देखिए, सारी CNG बसेस और सारी इलेक्ट्रिक बसेस हैं। दिल्ली में आज एक भी डीजल बस नहीं है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।